None other than the entire cast and crew of the great Indian Kapil Show! Kapil Sharma! Sunil Grover! Krishna Abhishek! Archana Puran Singh Ji! Deepu Sharda and Rajiv Thakur! ये सारे क्रिएटर्स तो जब मैंने पीना तो वो भी रखवा दी बड़े क्यूट बंदा है सर अभय नाम है इसका इज अ वेरी वेरी गुड क्रिएटर हाय अभय बहुत अच्छा काम क्रिएट कर रहे हो किया था हां एंड उसकी मेमोरी मुझे अब तक है बहुत अच्छा नहीं अब ये कहना चाहते हो उसके बाद में उनका करियर ऊपर जाने लग गया अरे आई नो आप दोनों शायद सेम ही जिम जाते थे तो सर पहला सवाल ये था आपने आवाज हो गए सवाल ही नहीं पूछ पा रहा क्या हमारा आपसे एक सवाल है आप यहाँ कैसे ये आप पहली बार मिल रहे हैं मेरा भाई दाढ़ी वाला तोता खड़े हो ये साइबेरिया से गर्मियों में इधर आ जाता है वो बोल रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब हो जाएगा उसके बाद में अजय तू मेरे फेसबुक पे क्यों नहीं लाइक जाता हम भी तो हैं जवाब भी नहीं दे रहा जेनेरिक सवाल है ना हाँ. कि आपको कैसा लग रहा है कोई भी इंसान है जो आंखें का बहुत बुरा लग रहा है हमें नहीं है ना हमें अच्छा ऑब्वियसली बहुत अच्छा हमारा सवाल है हां हमारा जवाब यही है बहुत अच्छा एसी कार इतनी मुश्किल से हम अंदर आए हैं यूएस जाते हैं तो इमिग्रेशन जल्दी हो जाता है अगर उसके बाद में हेलीकॉप्टर में डाल बहुत मजा आया सो आप इधर आज मेटा के ऑफिस में आए पूरी टीम आपका शो आने वाला है आपसे सवाल जवाब होंगे तो उससे पहले कुछ अफवाहें थी आप सबके बारे में जिसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए आप लोगों से ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं देखिए हाँ हाँ रिएक्ट कर देते हो बिना देखे आप बिना देखे उसमें हाँ हाँ रिएक्ट कर देते हाँ हाँ बहुत फनी था नहीं मैं नहीं करता पढ़ लिख के समझ के तब भी रिएक्ट अर्चना जी के लिए होनी चाहिए गलत है अर्चना जी आपका सवाल यही है मतलब आपके बारे में ऊपर है कि आपको अगर कोई रील भेजता है तो आप क्या ना पर्सनली सामने वाले के घर पे जाकर के हंस करके आते हो ये अधूरा है अगर ऐसा होता है तो लेकिन मोटे पैसे भी भेजता है तभी मैं जाती हूँ ऐसा बिना पैसे के पति की बात भी नहीं हंसती सुनील सर आपके बारे में टैटू के बैलून बनाया था उड़ना
जाएंगे आपके बारे में सर। एक रूमर है, रूमर ये है कि आजकल आप प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा ऐसे जोक्स पर भी हंसते हो। बिल्कुल ठीक बात, रूमर ये सच्चाई है। राजीव सर आपके बारे में रूमर है। क्या बात है, शो को हाँ बोला क्योंकि Netflix आपको लाइफ लॉन्ग फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। लाइफ लॉन्ग नहीं दे रहा भाई, तो मुझे 10 साल की मिली है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 13 जितना आएगा। किंतु सर आपके बारे में एक रूमर है कि आप इतनी रील बनाते हैं, इतनी रील बनाते हैं कि आपके कैमरे की रील खत्म हो गई है। और कौन सी सदी की बात कर रहे हैं, कौन सा कैमरा है या आजकल किसी भी कैमरे की रील खत्म नहीं होती। इतनी रील कैसे बनाते सकते हो सर आप? इनसे पीपल वांट, पीपल वांट, हम तो इनके साथ हैं सर। यार सारे लोग जो है ना वो आइडियाज के लिए तड़पते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं अब क्या नया करें। नहीं, ये इनसे आइडिया ले रहे हैं, इंस्पायर होते हैं कभी कभी। लास्ट कृष्ण सर आपके बारे में एक रूमर है। लास्ट के ऊपर कौन आपको लंबी उम्र दे रहा है? ये एक और जो आपके बारे में रूमर है वो ये है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर संतरे देखते के साथ ही आप पागल हो जाते बोलते बोलते आपकी कॉफी भी आ गई। सो शो के बारे में कौन सा? नहीं, शो कपिल का है और कपिल क्या बात करें। अरे क्या बात करें, हाँ मेरा ये है, बोल ना। हमारा तो जाकिर अली आप छोड़ के ये हमारा लकी चार्म है। ये शो तो हमने 2013 राजी के बारे में, ये हमारा शो तो हम छह ही है ना, शो तो यही छह है। किसके बारे में बता? राजीव मेरे कॉलेज का दोस्त है और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं और हम लोग अभी अमेरिका कैनेडा टूर पर गए हैं। इसे बड़ा मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और हम सब लोग इस तो बार शो पर क्यों नहीं करता? सवाल क्या था आपका? एक एक करके सबके बारे में बात। अभी किंग्स के बारे में, किंग्स। अच्छा, सबके बारे में नहीं बात करनी है? तूने बात करनी है। कॉफी फिर ले जा वापस कॉफी। किकू भाई के साथ भी आई थिंक कॉमेडी सर्कस के टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं
और बड़े प्यारे हैं और इनके पास जो स्क्रिप्ट होती है वो तो है ही, लेकिन ये अपना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक जो है डाल देते हैं और इतना क्यूटली करते हैं कि आज तक मुझे लगता है कि भाई के पंच पे कभी कोई निराश हुआ हो या हर्ट हुआ हो। हाँ एक बार जेल गए थे पर देखिए आप इनकी पावर देखिए जिसकी वजह से जेल गए, बाद में उन्होंने उनको भेज दिया। नहीं नहीं ये चाहे काट देना मतलब चलते में से काट लेते। देखिए ईश्वर ही सत्य है, मुझे सीधा धार्मिक बात नहीं। हरे कृष्णा सर। कृष्णा मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, ऑब्वियसली हम लोग कृष्णा कृष्णा में भी मैडनेस है। कभी कभी क्या होता है, आप सब लोग क्रिएटर्स हैं, आप लोग इस चीज को समझते हैं क्योंकि हम लोग जब स्पेशली टीवी पे काम करते हैं एवरी वीक यू नो यू हैव टू प्रोड्यूस टू एपिसोड्स और कभी कभी स्क्रिप्ट 19 होती है, कभी 21 होती है, कभी अच्छी बनती है, कभी ठीक ठाक बनती है कभी। लेकिन इस आदमी के पास भी जैसी भी स्क्रिप्ट हो ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं और एक अपनी मैडनेस, जैसे मैंने किकू भाई के बारे में भी कहा, ये भी स्टेज पे आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसपे हमको एकदम, क्योंकि वो प्लान नहीं होती ना ही स्क्रिप्ट में होती है। और सो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ हमेशा कि ऐसे कलाकारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और सुनील भाई को तो आप सब इतना प्यार करते हैं, आप सबको पता ही है। हम लोग मैं एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमने शो से शुरू किया साथ में 2013 में, लेकिन उसके पहले 2009 में शायद आई थिंक पहली हसबली एक शो आता था सर, दो नहीं एट में शायद, तो तब मेरी इनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। और आप सब जानते ही हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग अलग एक तरफ है। अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे आपने ना कृष्णा सर के बारे में बात करी, इम्प्रोवाइजेशन की बात करी, आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो रहती है स्क्रिप्ट से इधर उधर भी चले जाते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन में चले जाते हैं। सर मैं ये जाना सारे मुझे लगता है जो आप शो में देखते हो ना वो एक होता है कि चलो ड्यूरेशन भी इतना रखना है, लेकिन जब हम लोग शो को बनाते हैं बैठ के, शो से पहले जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज सुनील भाई ये कर रहे हैं, कृष्णा ये कर रहे हैं, क्योंकि भाई तो हम लोग उसको बनाने के जो प्रोसेस में हम जो जोक्स होते हैं ना, कई तो ऐसे होते हैं कुछ शो पे बोल। सो हाँ अब क्योंकि इतने साल हो गए हैं सबको, अब इतने कंफर्टेबल भी हो गए हैं सब, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। आई एम श्योर आप लोगों को एक एपिसोड याद होगा जिसमें कंगना रनौत और शाहिद कपूर आए थे, सुनील पाजी उसमें रिंकू भाभी का करेक्टर प्ले कर रहे थे, मैंने पहली बार एक वो करेक्टर प्ले किया था रोड़ा का। हम लोग हमारी पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ घूम गई, भूल गए थी स्क्रिप्ट थी चार पांच पेज की थी हाँ, लेकिन हम पहुंचे नहीं हम स्क्रिप्ट तक पहुंचे नहीं, स्क्रिप्ट तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो ये पता नहीं स्टेज पे जाके एक वाइब होती है सर, आई थिंक एक उस माहौल में जाके ना कुछ तो है मैजिक है कि आप मतलब बताओ। मेरा सवाल सुनील सर से था सर, ऐसे आपके बहुत सारे जोक्स हैं जो लोगों को मतलब दिल में बैठे लोगों को याद रहेंगे, कोई कैसे रोने लगे इतना हंसे कृष्णा आपका साथ दें, किक्कू भाई भी दोनों बहुत कमाल के डांसर हैं।
हम पौने नौ के बाद नाचते हैं। अच्छा कौन सा गाना भाई आप ही फरमाइश करो कोई, आप बड़े क्यूट हो यार, जो जो भी गाना बोलो। जो सर आपको सॉन्ग लगे हैं, मतलब मेरा सबसे बेस्ट अब तक का जो वायरल गया है वो चलेगा पता। हमारे जो और भी सवाल है वो पूछने से पहले अभी हम क्रिएटर्स जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए ना उनको भी एक मौका देते हैं। ऐसे बोले ना सुनाई दे जाएगा, ऐसे बोले सुनाई दे। मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मशरूम मेरे को तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मेरा सवाल कृष्णा सर से कि मेरे को एक करोड़ दो ना। क्या बारे यार, आप चले जाओ, परफॉर्म किया लेकिन आप चले जाओ। मान साहब ने परफॉर्म तो किया लेकिन शूट किसी ने नहीं किया आपका ये परफॉर्मेंस, वो नहीं पीछे से आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन सर अभी आप ही नेटफ्लिक्स कर रहे हो और अगर आपकी तरह बनना है तो आपकी तरह जीवन हमको जीना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि इम्प्रोवाइजेशन किशमिश वगैरह से आता है, अभी आप नेटफ्लिक्स कर रहे हो तो आम आदमी किशमिश खरीदे कि सब्सक्रिप्शन खरीदे, कहाँ से लाए था नेटफ्लिक्स? आप लोग सुन रहे हैं जी, देखिए हमारा जो नेटफ्लिक्स पे आने का ये मकसद ये कि एक तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हर कोई इंसान चाहता है कि है ना हम नेक्स्ट लेवल जाएं। हालांकि हमारी जो टीवी के साथ जो हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई इतने सालों से हमें वो बहुत चहेती है और क्योंकि उन्हीं की वजह सब कुछ है, और वही ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन टीवी और ओटीटी में फर्क है क्योंकि बदलाव आ रहा है। सो आपको खुशी नहीं हुई कि अब हमारा शो 192 कंट्रीज में आएगा? बहुत बहुत खुशी है, और ऐसे हमेशा ही है ना आप मिलते हैं या कोई अब कोई ना कोई जापान से भी उठेगा कि आई वांट योर शो। आई थिंक हां जापान से उठेगा और अमेरिकन एक्सेंट में बोलेगा। सो यही कारण अगली बार तो पता नहीं चलेगा हमें कॉम्प्लीमेंट मिले नहीं। बाकी ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स पे है, अपने इंडियन इतनी पायरेसी होती कोई ना कोई डाल। जैसे आप बड़े दिनों बाद घूम फिर के घर आते हो। कपिल शर्मा शो देखने से पहले जब मैंने पहला एपिसोड देखा था मम्मा के साथ, तो मैंने सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज किया कि ये तो हातिम में होबो थे। बट मेरा एक्चुअली इतना क्वेश्चन नहीं है सच, बट अर्चना मैम फॉर यू, सो मेरे सारे दोस्तों में अदरवाइज ऑल्सो आई एम नोन टू बी कि मतलब मैं बहुत लाउड इंसान, माइक की जरूरत नहीं। तो जब मैं आपको शो में देखती थी एंड चाहे जो खराब हो जो अच्छा हो आप बहुत जोर से हंसती थी, तो आई फील कि वो चीज जो है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो चाहे शो नेटफ्लिक्स पे हो या शो टीवी पे हो, चैनल चेंज हो जाए लोग चेंज हो जाए, बट वो हंसी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि अब जब मैं नेटफ्लिक्स पे शो देखूं, I don't think हंसी तो खैर यूनिवर्सल है तो सभी एक जैसा ही हंसते होंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये नहीं पता था कि एक दिन मैं हंसी के लिए ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। एंड एज एन एक्टर आई ऑलवेज थॉट कि मेरी परफॉर्मेंसेस यू नो विल बी नोन, बट देखिए डेस्टिनी वेयर इट टेक्स यू, बट इट्स द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आई एम लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक and I'm having the best. Can you imagine एक एपिसोड एक शो देखने के लिए, the Kapil Sharma show मतलब जो लाइव इवेंट देखने के लिए लोग तरसते हैं, and I'm there watching it you know like a guest every time, so it's a great opportunity. But one thing Disha I want to tell you that Shruti, sorry, one thing permanent impression, ये उनको बोल रहे थे आप उनको बोल रहे थे one Shruti that you said ने
है कि खराब जोक हो तब भी आप हंसते हैं ना, सो इट डजंट हैपन एनीमोर. अभी आप देखेंगे पिछले 3 साल से जब भी हम शो कर रहे हैं और स्पेशली नाउ हम नेटफ्लिक्स पर हैं, तो एक टाइम जब से सिद्धू जी तब खराब है. जब मैं कुर्सी पर थी तो लोग बोलते थे खराब जोक है तब भी आप, तो मेरा मेरी नाराजगी थी इस बात पर, क्योंकि क्या होता था उस वक्त कि शो अगर पंच थोड़ा हल्का होता था तो वो सोचते थे अगर अर्चना की हंसी डाल देंगे तो वो पंच उठ जाएगा. वो पंच नहीं उठा, मैं ही बैठ गई. मतलब वो लोगों को लगा ये तो पागल है यार ऐसे. तो मेरी जो हंसी की जो इंटेग्रिटी थी ना, वो दैट टुक अ बीटिंग. सो आई वांट टू से दैट आई जेन्युइनली लाफ एट द गुड जोक. अच्छा एक हंसी का भी होता ना हल्का जोक होता था. अब एक आदमी था मैं कैसे हंस रही है, पर वो एडिट. सो यू गाइस आर सच गुड क्रिएटर्स. आप तो आपको मालूम है कि एडिट पर तो आप कुछ भी कर सकते हो. वो एडिटर खराब था. हां वो लोग बहुत ग्रीडी थे कि हर जगह अगर आप हंसी डाल दोगे. बट एनीवे आई एम हैप्पी टू से दैट अभी ऐसा कोई मौका बहुत ही कम मिलता है जहां पर पंच नहीं होता है या हल्का होता है. और अगर कि मुझे हंसने की फॉल्स हंसने की जरूरत पड़े, नंबर वन. नंबर टू, कपिल वहां पर वैसे बोलता था ये तेरा नहीं फूटा, ये तुझे बोलना नहीं चाहिए था, मंच पर ही बोल देता है और हम उसको टेलीकास्ट भी कर देते हैं. सो वी आर द फर्स्ट टू लाफ एट आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड लाफ्स विद अस. एंड एज अ क्रैब जैसे एक बंदा खड़ा हुआ जैसे काली ब्लू ना पेंटिंग की सीढ़ियों में ऐसे करके, तो कहते मैं सर जैसे लाइट आती फिर मैं आपको मैं इनको बता दूंगा. तो कमल हसन का ठीक है मैं आप बदलवे दीजिए. मैं कहा आपकी टीम में, कहते नहीं. तो वो कहते तुम्हारी टीम में, मैं कहा नहीं. मैं कहा आप कहाँ से, कहता आपके फैंस हैं. पूरी आधा घंटा की कॉन्वर्सेशन सुन के गया. He just wandered in. वो पूरी पूरी बात सुन के गया. मैं हैरान. मैंने एक लड़की पागल हो गई. मतलब वो ऐसे कर रही भाई, मैं तो जैसे आप संतरे देख के पागल आपने अभी जो हम सबके लिए किया दैट इज मार्वेलस. लेकिन एक चीज आज टाइगर लोग आ रहे नेटफ्लिक्स पे देखने का. लव यू. एक बार मैं एक लाइन बोल ये थोड़ा संतरे जैसा दिख रहा है इसलिए अभी दादा ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ये सब. हम लोग मस्ती तो करते हैं पर हीज़ डूइंग द बेस्ट. मैं हार जरूर लगाने का है इस बात से ही. मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं एक लाइन बोलूंगा उसके बाद में आपको अपना डायलॉग बोलना है. मेरा अच्छा है. अच्छा ठीक है ना. मैं एक एक लाइन बोलूंगा तो ये चार बार आपका ही डायलॉग आएगा. अच्छा तो बोलना. मेरा अच्छा है. मेरी लाइन कंप्लीट होगी. रैप कंप्लीट होगा. रैपर नहीं हूं लेकिन फिर मैं इधर आ जाता हूं. ठीक है भाई को कवर कर रहा हूं. हां नीचे बैठ के बोलते यार. ये कब पीछे तो लाइन किधर पे मैं देखा तो आप सबको है ना ऐसे से सबको क्लैप करना है. कैन यू ऑल डू इट एवरीवन. Netflix पे 30 मार्च चाहे तू बाय गॉड इसको भी लोग करोड़ों में करेंगे व्यू. ग्लोबल है जो और कैरेक्टर्स भी न्यू. मेरा बच्चा है जो कपिल और उनके परिवार को हम सबकी तरफ से वी लव यू. पहली बार लगा जगू दादा का खारी बेच रहे हैं. आप लोग के लिए ना नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट डाली थी जिसपे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था. अच्छा वैसे क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहिए.
बहू भी बन ली है, सांस भी बन ली है, मसाज वाली भी बन ली है, देवरानी भी बन ली है, जेठानी भी बन ली है, उसकी बहुत सारी। आई थिंक हमने कौन सा किया थॉट, अच्छा सवाल भी आपने पूछा। मन में सोच रहा कृष्णा ये कैसा सवाल, बिल्कुल सही। इनको हम प्ले कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द राइट सर, उनके सब इश्यूज होते हैं, बट ऐसा कभी मैं करना चाहूँ। मैंने एक बार कैस्पर, अच्छा आइडिया है मैंने सर आपके लिए, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है मूवी टाइटल से। सारे लोग जो है ना वो स्टेज पर आते कॉमेडी करते आपस में, लेकिन थ्रेड पर रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक जोक सुनाइए। लेकिन आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट जोक लिसनर एंड द वर्ल्ड्स वर्स्ट जोक टेलर, वर्ल्ड्स वर्स्ट, मतलब जो खराब अगर करना हो ना तो मुझे बोलो कि मैं बता दूं। सो ये सवाल मैं जवाब ही नहीं दे सकती सर, ये इसकी खासियत ये है। This I've seen as a judge on comedy circuits and all the shows that I've worked with Kapil. ये unique talent सिर्फ इसी में, मुझे पता नहीं और किसी में है भी दुनिया में कि नहीं, कि एक punchline तो हर comic actor deliver करता है। आपको punchline दिया बढ़िया से, आप तो खराब तरह से फोड़ेंगे तो वो land नहीं करेगी, लेकिन अगर अच्छी line लिखी हो तो आप उसको land करा सकते हैं, वो आपका talent है। और Kapil has a unique talent कि अगर वो punchline भी ना हो, वो एक simple line हो, if he wants to land it like a punchline and make you laugh, he can make any line into a punchline and make it laugh. I think Mr. Grover, purely because ये अगर कोई character भी करते हैं, मतलब जो इतना deep जाते हैं, depth में जो जाते हैं ना, जो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये negative shade अपना ऐसा कुछ करना चाहें तो मतलब he will be, यार डराओ मत ऐसे इसके। I know, लेकिन एक तो ऑडिशन देखो, ऑडिशन देखो, देखो शुरू हो गए, देखो कैरेक्टर पे आ गए। But very right, but yeah, but एक बात है, यहाँ पर जो भी बैठे हैं, जो भी हैं, एक अच्छा किरदार करने के लिए, चाहे वो विलेन हो या यू नो प्रोटैगनिस्ट हो और हीरो, आपको एक अच्छा एक्टर होना पड़ता है। तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगा गलत है, गलत ऐसा भी लगता है। Anybody can play, if there is good actor. Anybody can do good comedy, has the potential automatically to do. Absolutely. Absolutely. More people as an actor, आप 100 अगर actors हैं, बहुत अच्छे actors हैं industry में, आप उनमें सब में देखिए, सिर्फ 3-4 ही होंगे जो comedy भी कर सकते हैं। बाकी सब ये भी रुला भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ड्रामा, एंड दे आर वेरी गुड एक्टर, बट ऑल ऑफ देम हैव एट सम पॉइंट टोल्ड ऑल ऑफ अस और वन ऑफ अस, यार जो तुम करते हो बहुत, एंड दैट इज अ फैक्ट। सो दीस गाइस आर ग्रेट एक्टर। ये जो आपने पूछा, मैं तो खुद कितने वक्त से चाह रहा हूं कि कोई मुझे इस लाइट में देखे, आई वुड लव टू डू इट, बट यू डू नॉट हैव, मैं चाह रहा था लेकिन मैं अपना नॉर्मल में दिख गया, राजीव सर आखिरी सवाल जो आया था वो ये है कि जेन जी जो यंग जनरेशन है उनको एक एडवाइस देनी है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे?
हम अपने आप को कैसे प्राइज दे सकते हैं? माइक यहाँ लगने का ये फायदा जवाब आ गया. So, any advice for a young generation? Watch Kapil Sharma. So, एक सवाल सबसे, you know, 30 मार्च रात 8 बजे आप सब कहाँ होने वाले हैं और शो कैसे देखने वाले हैं? सच बताएं? Yes. तुम लोग ऑफिस में होने वाले क्योंकि कभी सब बैठे होंगे. नहीं नहीं, मेरे को लगता है एपिसोड देखना चाहिए. बट एक साथ देखेंगे, इकट्ठे बैठ के देखेंगे. पर नेटफ्लिक्स का ये फायदा है, चाहे आप 8 बजे देखो अच्छी बात आ रहा है, पर वो पढ़ा ही हुआ था फिर कभी देख सकते हो. अगर हम भी 8 बजे देखने लग गए तो फिर अगला एपिसोड भी तो बनाना. एक एक मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक एक करके. एक मिनट, ऑल द क्रिएटर्स इज ऑल पास. मेरे को लगता है 8 बजे देखते हैं. पहले जारी कर लो ना एक दिन. 29 को, पर 29 को मेरी फिल्म भी आ रही था, करो ना फिर उसमें क्या. तो एक काम करो, मंगा के आज ही देख ले. हम देखेंगे उसमें क्या है, 8 बजे देखेंगे. ऑफिस ही रहेंगे हम लोग, ऑफिस में भी हमारे बिग स्क्रीन है, वहां पे लगा के देखेंगे. एक्चुअली हम लोग हमेशा करते हैं ना नए सीजन का, हम जितना मर्जी कहें नहीं, बीस बीस ही. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दीस पीपल. आई वांट टू नो दैट आज जो हमने बातचीत की है, व्हाटएवर, यू आर कंटेंट क्रिएटर, राइट? तो आप इस कंटेंट को कैसे अपने पेज पर पोस्ट करने वाले हैं? अगला सवाल इनका ये होगा कि पैसे वैसे कमाते हैं? तेरे को कमीशन देना पड़ता है ना हर चीज का. हां बोलो. मैं तो आज व्लॉग डालने वाला हूं. हाँ, और साथ में रील्स पे जितना मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ अभी, उसको मैं कैसे भी करके, मैंने अभी लैंडस्केप शूट किया, उसको मैं पोर्ट्रेट में करके डालूंगा. अच्छा, ब्लॉग आपका यूट्यूब पे है, किस पे है? मैं दोनों जगह डालूंगा, अगर हो सके तो रील पे भी. अच्छा, एनीबॉडी एल्स? आई जस्ट वांट लिटिल क्लैरिटी बिकॉज यू गाइस जो आप लोग समझे नहीं अभी, कमाई किस पे है? इंस्टा पे नहीं है ना? फेसबुक पे. फेसबुक पे बहुत. फेसबुक पे क्या बात कर रहे हो? बिकॉज रियली आई वांट टू हैव इंफॉर्मेशन. कैसे? हाँ, तुषार बताइए. तो शेयर बोल रहा है. इसको मैं इनवॉइस भेज दूं अपनी यूसेज का. जैसे पैसे की बात हुई ना, तो इसकी गुजराती टोन अंदर से निकली. Anybody else? One of the girls, tell me now, what do you guys do? How you tell me the, at the end? It's a day with me, kind of. Achha. So I just recorded myself like an outfit check, then I came here, I'm recording everything. Okay, so a day in the life of you, with me. Yeah. So usme ye bhi included. Yeah, I included that. That's the main part today. So. Ma'am, we could record karna hai. Abhi tak hum kya jhag maar rahe hain? तू भविष्य बता. तो उस सवाल में पर्ची निकाल के बता. तो आज से 11 महीने 29 दिन पहले 3:11 पे एक नए आर्टिस्ट का आपके शो पे डेब्यू हुआ था, दीपक कालरा का. तो वो नेटफ्लिक्स पे दी ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पे कब आ रहा है? देखो, वहां पे कोई भी आ सकता था. हमारी मुलाकात हुई. मैं
पूछते भाई कौन आ रहा है, कौन सा एक्टर है? अच्छा हमें भी लगता है ना हम बड़े सुपरस्टार्स हैं टू बी ऑनेस्ट इन आवर ओन केस. अच्छा कौन आ रहा है, अच्छा पैसे कितने मिल रहे हैं? बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू योर यहां पे बोल दिए अच्छा आपका कपड़ा सीला, अच्छा आपका कपड़ा सीला पमताया पे रंग पीला. सो और आपके लिए मेरे पास जॉब्स है. अच्छा बताओ रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता? रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो भैरी होती है. The Great Indian Kapil Show coming on Netflix from the 30th of March. कितनी बार खड़ी हो चुकी है? अबे ले आगे 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 अभी जाके सबके साथ एक सेल्फी लेंगे, सब आ जाएंगे सेल्फी में. हम पसंद नहीं करते सर, थैंक यू. इनको आता ही नहीं है, नहीं है इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पढ़े ही नहीं है. मेरी ब्यूटी किस काम की? हर बात पे चिकी चिकी करते, हर बात पे ओके ओके करते. मेरी सुनतू मेरी जानना मेरी शोना मेरी मजनू मेरे किसी पर मुझे को प्यार नहीं करते. जितनी बर्बाद हो गया जल्दी हर बार. जो मैं चोटियां लगाता हूँ तो दफली करके, तो वो उन्होंने मतलब उसके मुंह से था सवेरे से लगा हुआ. चले नहीं भाई, थैंक यू, प्लीज देखिएगा प्लीज स्मार्ट से. Thank you.
request everyone to kindly settle down. Very impressive.